हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल मीना रेसिपीज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी लाल साग। तो यहाँ पर मैं 500 ग्राम लाल साग लिया हूँ और इसे अच्छे से बनाकर धो कर ले लिया हूँ। और ये बहुत ही हेल्दी एंड डेलीशियस रेसिपी है। इसे खाने से हमारे बॉडी में खून की मात्रा बढ़ती है। तो सबसे पहले मैं साग को काट कर तैयार कर लेती हूँ। तो इसे हम चाकू की मदद से इस तरीके से काट लेती हूँ। और इसे मैं एक बाउल में ले लेती हूँ और इसी तरह मैं सारी साग काट कर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी साग काट कर तैयार कर लिया हूँ और अब मैं इसे पकाऊंगी। तो इधर हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ साग और इसमें मैं अब डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। इसमें नमक ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये गल के बहुत ही कम हो जाती है। अब नमक को साग के साथ अच्छे से मिला लेती हूँ। तो अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी 5 मिनट। बीच बीच में ढक्कन उठाकर चेक कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, बीच में मैं एक बार ढक्कन उठाकर चेक कर लेती हूँ। तो इसमें से पानी रिलीज होना शुरू हो गया है और इसी पानी में हमारी साग पककर तैयार हो जाएगी। तब मैं इसे फिर से ढक देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी 5 मिनट हो चुकी है और हमारी साग बनकर तैयार हो चुकी है और इसमें से सारे पानी सूख चुकी है। तो अब मैं साग चेक कर लेती हूँ ये अच्छे से पकी है कि नहीं। तो साग हमारी पक चुकी है। इस साग को मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ और कढ़ाई को धोकर चिकना कर लेती हूँ क्योंकि हमें इसी में साग के लिए तड़का बनानी है और इसी में हम अपने साग की तड़का लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई धो लिया हूँ, अब इसी में हम अपने साग की तड़का लगाऊंगे। तो इसमें मैं डाल दिया हूँ सरसों का तेल। तेल को चारों ओर फैला लेती हूँ। तो तेल हमारा गरम हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 सूखी लाल मिर्च और ये लाल मिर्च को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारी लाल मिर्च फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इसी तेल में मैं अपने साग को डाल देती हूँ। और तेल के साथ अच्छे से मिला लेती हूँ। तब मैं दोनों लाल मिर्च को हाथों से मसल लेती हूँ और अब मैं इसे डाल देती हूँ साग में। इस तरीके से करने से हमारे साग की टेस्ट बहुत ही बढ़ जाती है और इसे साग के साथ अच्छे से मिला लेती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी साग बनकर तैयार हो चुकी है, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे मैं एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे साग को सर्विंग बाउल में निकाल लिया हूँ और हमारी एकदम परफेक्ट साग बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच पाए। और कमेंट में ये जरूर बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।